दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं फोर्थ राउंड काउंसलिंग पर कम्प्लीटली डिस्कशन करूंगा। लेकिन फाइनली जब तक मैं दोस्तों वीडियो बना रहा हूं, तब तक की यह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि थर्ड राउंड की एडमिशन अभी तक कॉलेजेस पर हो रही हैं। ठीक है, यानी कि कुछ लोग, जितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए थे और उन लोगों की फ़ीस यदि जमा नहीं हो पाई थी कल, और उसके पश्चात मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको यह कहा गया था कॉलेज की तरफ से, क्योंकि शाम को 5 बज चुके थे, तो उसके पश्चात किसी भी प्रकार की एडमिशन की प्रक्रिया नहीं होती है सभी राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में। तो कहा गया था दोस्तों कि 5 बजे के बाद, यानी कि कल से आने के लिए, यानी कि आज, जो कि बिल्कुल भी डेट नहीं है, और आज से शुरू होने वाली है दोस्तों आपकी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग। और इस समय हम दोस्तों पहुंच चुके हैं आपके jcop.nic.in, जो कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन आप जैसे ही नीचे क्लिक करके देखेंगे, जहां पर दोस्तों मैं बता दूं लिंक शो होता है, ठीक है, यानी कि यहां पर दोस्तों लिंक शो होता है और ये लिंक दोस्तों सभी ग्रुप का शो होता है यहाँ पर, और इसके पहले जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग थी उसकी भी लिंक यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूँ, जबकि 12:30 होने को है और अभी तक ना पुरानी वाली लिंक शो हो रही है दोस्तों, और नई कोई लिंक भी नहीं आई है। ठीक है, और यह नई लिंक दोस्तों आने वाली थी, आप लोगों को बताते हैं, रिजल्ट 2021 ऑल ग्रुप के माध्यम से, और उसके नीचे ही आने वाली थी, और उसके पश्चात आज काउंसलिंग होने वाला था। ठीक है, डेट भी आज ही का था, जैसे कि मैं काउंसलिंग शेड्यूल पर जैसे ही ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद स्क्रॉल करने के बाद जो दिया गया PDF है दोस्तों, उस डाउनलोड करके उसको ओपन करने का मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ और सारी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं जो है पूरी तरीके से सब कुछ को डाउनलोड कर चुका हूँ, और अभी तक दोस्तों फाइनली अभी तक आपका आया नहीं है, लेकिन बिल्कुल आएगा, हो सकता है तो देर शाम तक आए, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्थिति में आज नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 27 तारीख, यानी कि आज आप लोगों का 27 तारीख है, और सिर्फ आज ही का दिन था आप लोगों के पास कि फोर्थ राउंड में या तो आप नए कैंडिडेट है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आप लोग नया रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि फोर्थ राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट एंड नॉट एडमिटेड अप टू थर्ड राउंड UP स्टेट। ठीक है, तो 27 तारीख जो कि आज की तारीख है, बिल्कुल आज आप लोग का चॉइस फिलिंग भी होना था, साथ ही साथ नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन भी होना था, और 28 तारीख को ही रिजल्ट आना था। ठीक है, 28 तारीख को रिजल्ट आने का मतलब ये है कि एक ही दिन का समय आप लोगों का लगेगा। ठीक है, एक दिन का ही आप लोगों को समय लगेगा और उसके पश्चात आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यदि किसी स्थिति में यदि आज आप लोगों का डिले होता है एक दिन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दो तीन घंटे के लिए ये लोग लिंक को ओपन करेंगे और उसके पश्चात ये लोग करा दें, ये लोग 28 को यानी कल को रिजल्ट दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग को समय मिलने वाला है, क्योंकि ये हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से बता रहे हैं। 12:30 तक यदि लिंक नहीं खुला है, तो यदि आज लिंक नहीं खुलता है तो कल लिंक खुलेगा, तो एक दिन डिले हो सकता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर डिले होने का मैं सबसे बड़ा रीजन बताता हूं, क्योंकि यहां पर दो दिन का समय एडमिशन में मिल रहा है, तो अगर यहां पर एक दिन ये लोग डिले करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर आप लोगों को एक दिन कटेगा और फाइनली आप लोगों का जो एक ही दिन आप लोगों को मिलने वाला है एडमिशन कराने के लिए, तो बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे ही आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट jcop.nic.in पर भरोसा करना है, और jcop.nic.in अपने मोबाइल फोन में सर्च करते रहना है, जैसे ही आप लोगों को लिंक आ जाएगा वहां पर ऑलरेडी शो होने लगेगा, उसी के बाद सभी लोग जाएंगे अपने कॉलेज को फिल करवाने के लिए। ठीक है, कॉलेज की यदि आप लोगों को लिस्ट चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज की, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोगों को लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।